तो कैसे हो? आइए आज हम लोग एक बार फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड के इम्पॉर्टेंट नोमेनक्लेचर की बात करते हैं। और उसमें आज मैंने सेलेक्ट किया है एस्पिरिन को। एस्पिरिन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। बहुत सारे क्वेश्चन एस्पिरिन से रिलेटेड आते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे एस्पिरिन है क्या, कहाँ पे यूज़ होता है, कैसे इसका फॉर्मेशन होता है और इसका आईपीएससी सिस्टम में क्या नाम होता है। तो आइए ज़रा सा देखते हैं एस्पिरिन है क्या। एस्पिरिन सैलिसिलिक एसिड का डेरिवेटिव है। देखिए ज़रा सा, सैलिसिलिक एसिड क्या होता है? आर्थोहाइड्रॉक्सी बेंजोइक एसिड। ये आपका बेंजोइक एसिड हुआ, यहाँ पे OH ग्रुप लगाया, आर्थोहाइड्रॉक्सी बेंजोइक एसिड कहलाएगा। ठीक है बच्चों, अब इस आर्थोहाइड्रॉक्सी बेंजोइक एसिड में आप एसिटिलेशन कराओगे, जैसे कि पैरासीटामॉल बनाया गया था। हमने एक वीडियो अपलोड की थी पैरासीटामॉल के बारे में, उसका नेम के बारे में। तो आइए ज़रा सा यहाँ पे एसिटिलेशन कराते हैं। एसिटिलेशन कराने का मतलब यही CH3COCl माने एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड से यहाँ पे हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं। तो ये जब हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस होगी और ये ग्रुप आके अटैच होगा ये CH3, अब यही आपका कहलाएगा एस्पिरिन। और अगर इसका कॉमन नेम देखा जाए एस्पिरिन का, तो क्या हो जाएगा? एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। लेकिन इसके आईपीएससी सिस्टम में क्या नाम बोला जाएगा, उसको आइए बच्चों समझते हैं क्या बोल सकते हैं इसको। देखिए ज़रा सा, ये आपका अगर ग्रुप देखा जाए तो इसको हम लोग आईपीएससी सिस्टम में क्या पढ़ते हैं? ऑयल ऑयल, और दो कार्बन का ऑयल का मतलब क्या होगा? इथेन ऑयल। तो इतने को हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों? एथेनॉइल। ठीक है, और ये ओ ग्रुप जो आपका मिला इसको क्या पढ़ोगे? ऑक्सी। तो पूरा क्या होगा? एथेनॉइल ऑक्सी। और देखिए जरा सा, यहाँ पे ये मेन फंक्शनल ग्रुप अटैच है क्या? बेंजीन रिंग पे। तो यहां से काउंटिंग आपकी 1 2, तो 2 पे ये आपका एक पूरा ग्रुप अटैच है और वो ग्रुप का क्या नाम है? इथेनॉइल ऑक्सी। तो यहां पे आप लिखोगे अल्फाबेटिकल में ऑक्सी और इथेनॉइल को, तो 2-इथेनॉइल ऑक्सी, 2-इथेनॉइल ऑक्सी। अब इसको आप क्या बोलोगे? बेंजोइक एसिड, या इससे भी बढ़िया हो जाएगा, बेंजोइक एसिड को आप लिख सकते हो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए बेंजोइक एसिड, या आप ये लिख सकते हो, इसका दूसरा नाम कर सकते हो 2-एथेनॉइल ऑक्सी बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। और कैसे इसको पढ़ा जाता है, बेंजोइक एसिड या बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको जानने के लिए आप हमारे चैनल पे आइए। और वहाँ पे हमने नामेनक्लेचर बताया है किसका? एरोमेटिक कंपाउंड का। तो वहाँ पे इसको पता लगेगा कि ये दोनों नाम आईपीएससी ने, बेंजोइक एसिड भी इसको बोल सकते हैं और बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोल सकते हैं। बेहतर कौन है? बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, हालांकि दोनों सही है। तो ये रहा आपका एस्पिरिन, कैसे आपने इसका फॉर्मेशन किया, ठीक है, और उसके बाद इसका नाम क्या हुआ आईपीएससी सिस्टम में, और उसके बाद इसका यूज़ कहाँ पे करेंगे। देखिए एस्पिरिन क्या है? आपका एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक, जैसा कि पैरासीटामॉल था, इस दोनों के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो ये एक बहुत ही आपका इम्पॉर्टेंट नोमेनक्लेचर था एस्पिरिन का। तो ऐसे ही कुछ अच्छे अच्छे नाम जानने के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट करिए और देखिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।